So next what we need to know is time period. What is time period? Time period is a time taken by a particle or a body performing uniform circular motion to complete one revolution. That means if I have a body who is in a circular motion, not just circular motion, who is in a uniform circular motion, that is, it is performing circular motion with a constant speed. Let's say the particle is starting from this point, ओके okay. और यहाँ से लेके पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आने तक उसको जो भी टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे उस बॉडी का टाइम पीरियड. सो लेट्स से इसको लगा अगर 10 सेकंड तो आई कैन से द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10 सेकंड्स. लेट्स से टेक्स 15 सेकंड्स, आई विल से द टाइम पीरियड इज 15 सेकंड्स. सो टाइम पीरियड को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से. सो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? टाइम पीरियड होगा उसे जो भी टाइम लगेगा अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए. इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं. लेट्स अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड, सो हम टाइम लेंगे जो भी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगेगा. तो टाइम को मैं सीधा लेता हूँ कैपिटल टी, विच रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड. और डिस्टेंस ट्रैवल, अगर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा लीनियर डिस्टेंस, दैट विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, बराबर ना, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. तो इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 2πr. सो कैन आई से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन टू अपॉन टाइम पीरियड. सो From this we get time period is equal to 2πr upon v. So if I need to know time period, what I need to know? मुझे radius पता होना चाहिए, मुझे velocity पता होना चाहिए, या फिर since you already know v by r क्या होता है, v is equal to r omega, बराबर. So v by r क्या होगा, या फिर r by v क्या होगा, उसको मैं ओमेगा पुट कर सकता हूँ ना. सो सिंस वी बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा, बट हमारे पास यहाँ पे आर बाई वी है, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन ओमेगा. सिंस आर बाई वी इज इक्वल टू 1πr ओमेगा, बराबर. सो व्हाट फॉर्मूला डू वी हैव? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr बाई ओमेगा, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन लीनियर वेलोसिटी. What is frequency? Frequency can be defined as the number of revolution completed by a particle in one second. That means, अगर ये मेरा particle है, इसको एक revolution complete करने के लिए let's say time लगता है 10 second. तो एक second में कितना revolution complete करेगा? एक second में complete करेगा 1/10th. बराबर, या फिर simple words में let's say इसका speed हम थोड़ा बढ़ा देते हैं. Let's say एक second के अंदर मेरा जो particle है वो 10 अपने सर्कुलेशंस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 10 नंबर ऑफ सर्कुलेशंस. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड. सो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कभी कभी एफ से, और इवन हम एक और टर्म यूज करते हैं न्यू. ये दिखता है वी जैसा, वी नहीं है, हल्का सा बैंड है, न्यू. सो फ्रीक्वेंसी फॉर दिस केस विल बी 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड. सो जब भी रेवोल्यूशन पर सेकंड या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड देखें हम, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक यूनिट यूज करते हैं मैसा यूनिट में, दैट इज हर्ट्स, 10 हर्ट्स. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड. और फ्रीक्वेंसी जो होता है मेरा वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो हमने टाइम पीरियड के लिए अभी जस्ट फॉर्मूला निकाला. क्या होता है हमारा टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2πr बाई ओमेगा. बट सिंस फ्रीक्वेंसी इज 1/t, वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πr बाई वी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वी अपॉन 2πr और 1/2πr बाई ओमेगा, दैट इज ओमेगा बाई 2πr, बराबर. सो उससे मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा? इससे मुझे मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई 2πr एंड ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा बाई 2πr. सो किसी बॉडी का मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, मुझे चाहिए होगा लीनियर वेलोसिटी और उसका रेडियस, या फिर एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट. अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता है, मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ इजिली.